4 सितंबर को दोपहर 12 बजे संविधान चौक पर जिले से आए हुए किसानों ने उपोषण किया। किसानों का कहना है कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने उनके खिलाफ 3 अध्यादेश निकाले हैं। हाल ही में विदर्भ में जरूरत से ज्यादा बारिश के कारण किसानों के सोयाबीन फसल की काफी हानि हुई है। इसी कारणवश किसान हताश है। किसानों ने सरकार से कई मांगे की है, जिसमें स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसल की लागत खर्च से 1.5 गुना ज्यादा दाम के किसानों को दिया जाए, साथ ही खराब फसल के नुकसान भरपाई जैसी मांगे किसानों ने की है। कामगार एकता जिंदाबाद, किसान कामगार एकता जिंदाबाद, अरे किसान कामगार एकता जिंदाबाद, किसानों के खिलाफ अध्यादेश निकालने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, अरे किसानों के खिलाफ अध्यादेश निकालने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। महाराष्ट्र अखिल भारतीय किसान सभा का ये महाराष्ट्र राज्य किसान सभा के किसान विंग की ओर से 24 घंटे का किसानों का उपोषण है। इसके पीछे का मकसद है साथियों, पूरे देश में कोविडा कोरोना का कहर जारी है और उसके बावजूद किसानों को आंदोलन के लिए उतरना पड़ा। उसका कारण ये है कि ये कोरोना का पीरियड चलते हुए मोदी सरकार ने 3 अध्यादेश निकाले, वो किसानों के खिलाफ है और वो ग्रामीण खेती व्यवस्था के खिलाफ है, खुली बाजार व्यवस्था, ऐसे 3 अध्यादेश है और उसके कारण मजबूर होकर किसान सभा को आह्वान करना पड़ा। जुलाई में जनसंपर्क और अगस्त माह में SDO मार्फत राष्ट्रपति को निवेदन और ये तीसरा टप्पा है कि आज हम 24 घंटे का उपोषण कर रहे हैं। पूरे देश भर में अनेक जिलों में 1 से 5 सितंबर ये चल रहा है। तो मकसद क्या है, मांगे क्या है हमारी, तो ये 3 अध्यादेश जो निकाले वो ताबड़तोड़ पीछे लिए है। दूसरा ऐसा है कि अर्थव्यवस्था पूरी रसातल पर है, मांगनी नहीं है मार्केट में, तो हमारा सबसे बड़ा भाग जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग ये है कि हर परिवार को 7,500 रुपया मासिक अनुदान दिया जाए और उनको 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति ये मुफ्त वितरण करने की प्रक्रिया जारी रखना चाहिए जब तक कोविड निकलता नहीं। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे खेत मजदूर किसान हैं उनकी 60 साल की आयु होने के बाद उनको 10,000 रुपया मासिक पेंशन देना चाहिए। चौथी प्रमुख मांग है कि वनाधिकार कायदा 2006 ने हमारे देश के आदिवासी जो वन जमीन पर अतिक्रमण करके खेती करते हैं उनको 5 एकड़ का जमीन का पट्टा देने का कायदा बनाए और उसके जो प्रकरण है कलेक्टर के पास में SDO के पास में प्रलंबित है, हजारों प्रकरण नागपुर जिले के पूरे देश में, और उसके खिलाफ में कुछ वन्य प्रेमी तथाकथित ये सुप्रीम कोर्ट में गए और मोदी की सरकार इस कायदे की सुरक्षा के लिए कोई अच्छा वकील नहीं खड़ा कर रही। इसलिए हमारा कहना है कि ताबड़तोड़ वो प्रलंबित दावे निकाले जाए जिससे उनको 5 एकड़ का जमीन का पट्टा मिल सके। हमारी 5वीं प्रमुख मांग ये है कि 14 साल के आयु के बच्चे, हमारे संविधान ने शिक्षा का अधिकार दिया है, 14 साल तक का शिक्षा का अधिकार है, तो उनको मुफ्त में शिक्षा, वो CBSE पैटर्न रहे, वो राज्य पैटर्न रहे, वो खाजगी स्कूल रहे, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको मुफ्त में शिक्षा देना चाहिए, वो हमारी मांग है। और उसी तरह जो हमारा सोयाबीन की फसल है, हमारा धान की फसल है, हमारी कपास की फसल है, उसको स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक लागत खर्चे के 1.5 उसको दाम मिलना चाहिए। अभी अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ वो सोयाबीन की भरपाई सरकार ने ताबड़तोड़ देना चाहिए। ये मांगों को लेकर हमारा ये अनशन है।